वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, यह राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएँ हैं। और बड़ी चीज़ है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियाँ कल भी बनेगी वो सुर्खियाँ आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करे, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या
प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें उससे भी जो है इत्तफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी
बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है, और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें है वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम
उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार, कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना, सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है, आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं,
गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए,
कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं। मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजन लाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया, और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी, बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजन लाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, और अब विपक्ष के रूप में क्या, किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल,
मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज़ है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां, कल भी बनेगी वो सुर्खियां, आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में, लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी,
चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें उससे भी जो है इत्तफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है
और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है, और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीजों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम
उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है, आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं,
गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए
कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार, कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना, सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे।
तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं। मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए
ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है। इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल। मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज
गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करे, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है, बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना
सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी, बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, और अब विपक्ष के रूप में क्या, किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल। मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर
एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज़ है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां, कल भी बनेगी वो सुर्खियां, आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी,
कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस, इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया, और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी, बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजन लाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में।
क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज़ है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं।
ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना, सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था, जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस, इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो, यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो
तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजन लाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजन लाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए
बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक परनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनकी नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं।
घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजन लाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजन लाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है, बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना, सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री
पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है, उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद
पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं। मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करे, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए
ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है। इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या, किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल। मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज
गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी? मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है, और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना
सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजन लाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजन लाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल। मरुधरा में भजन लाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजन लाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजन लाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर
एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां, अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीजों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो, यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार, कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी,
कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना, सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था, जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के, सियासत से जुड़ी हुई भी, आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए, बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा, जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया, और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में।
क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं।
ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजन लाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप पड़ते आरोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजन लाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो, यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो,
तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजन लाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजन लाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए, तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है, आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए
बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक परनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी, अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज़ है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां, कल भी बनेगी वो सुर्खियां, आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं।
घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करे, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजन लाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में, लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजन लाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें उससे भी जो है इत्तफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा, लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है, बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए, और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है, रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा, और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री
पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजन लाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजन लाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजन लाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजन लाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है, उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद
पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं। मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सियासत के लिहाज से भी और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए
ये बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है। इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़। अफसोस, इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं और नई सरकार है, ये अपने आप में बेहद खास है और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी। बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या, किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल। मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज
गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी? मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना
सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजन लाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजन लाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया, और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजन लाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी, बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजन लाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, और अब विपक्ष के रूप में क्या, किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास, ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजन लाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजन लाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजन लाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर
एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां, अब अगले 5 साल रहेंगी। लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से, तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं, और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं, और बड़ी चीज है एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी, वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है, और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है, और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है, वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो जनता के हित में है, भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं, और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं, ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार, कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी,
कि कैसा है, क्या है, किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप पड़ते आरोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती, बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था, जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे, उसके बाद वो वक्त आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, भजनलाल शर्मा, एक नवाचार किया, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी, नई भूमिका अब वो औपचारिक रूप से संभालते नजर आएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हुए। तो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे राजेंद्र राठौड़, अफसोस इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दिग्गज नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना होगा कि इस बार क्या पोर्टफोलियो उनका रहेगा इस सरकार में, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा जो आज अल्बर्ट हॉल से नजर आ रही है। आज जन्मदिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, आज ही शपथ ग्रहण समारोह, और उनके लिए बेहद यादगार पल। तो राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत करते हुए, और सतीश पूनिया भी मंच पर नजर आए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए, अशोक पनामी से भी हाथ मिलाकर अभिवादन उन्होंने लिया, और बेहद गर्म जोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की, चेहरे पर मुस्कान, सारी बातें सियासत से अलग होकर इस मंच पर खुशियों में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा की आज ताजपोशी होने जा रही है, और इस ताजपोशी में आज इस खास मौके पर सम्मिलित होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, और उन दिग्गजों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पधारेंगे। इसके अलावा तमाम दिग्गज आ रहे हैं, और नई सरकार है ये अपने आप में बेहद खास है, और नई भूमिका आज उनके नजर आएगी, बड़े नवाचार किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब मरुधरा में भजनलाल सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मंच पर देख रहे हैं, सम्मिलित हो चुके हैं वो इन भारतीय जनता पार्टी की खुशियों में। इसके बाद, आज के बाद, अब हर किसी की एक भूमिका बंट जाएगी। अशोक गहलोत विपक्ष में आ जाएंगे औपचारिक रूप से, और देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी वो निभाते नजर आएंगे राजस्थान में।
क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीन बार मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है और अब विपक्ष के रूप में क्या किस तरीके की भूमिका वो मरुधरा में निभाते नजर आएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का दिन वाकई में बेहद खास ऐतिहासिक पल, मरुधरा में भजनलाल सरकार आ रही है, औपचारिक रूप से शपथ ले ली जाएगी भजनलाल शर्मा द्वारा। तो जातिगत वोट बैंक साधने की कोशिश की गई इस बार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फिट कैसे बैठे भजनलाल शर्मा, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जब नाम का ऐलान हुआ था तब भी चर्चा की, लेकिन उसके इतर यह भी समझना होगा कि हाईकमान ने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सबको साध कर एक साथ चला जाता है और फिर कोई नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आज राजस्थान को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, नई भूमिका, नई चुनौतियां अब अगले 5 साल रहेंगी, लेकिन ऐसे में प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। उसकी वजह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल चंद महीने डबल इंजन की सरकार क्या कुछ करेगी, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर चुनौतियां कड़ी होगी, कई इस तरीके के सवाल जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप लगातार बनिए रहेगा, महाकवरेज लगातार जारी, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए मंच पर कितनी खूबसूरत, तमाम दिग्गज गुरु महंत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, वाकई मंच से आज बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह जब मैं चर्चा कर रही थी अपने सहयोगियों से तो एक सवाल मेरा यह भी था कि 5 साल पहले बेहद खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई थी और एक हेडलाइन बनी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया बड़ा दिल, तो इस बार भी कुछ इस तरीके की हेडलाइन होगी, मुझे लगता है कि शायद वाकई में होगी। पूनम, ये राजनीति की परंपरा रही है कि जब भी एक सरकार बदलती है, नई सरकार बनती है, तो पुराने सरकार के जो मुखिया है वो भी उस समारोह में शामिल होने आते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह किया है अशोक गहलोत ने, जो अब कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी वो निवर्तमान मुख्यमंत्री है और जैसे ही भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब अपने आवास से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन और शपथ ग्रहण की दोहरी बधाई। तो ये राजनीति की कह सकते हैं कि अच्छी परंपराएं हैं। और बड़ी चीज है, एक तस्वीर जो कल सुर्खियां कल भी बनेगी वो सुर्खियां आज बननी शुरू हो गई है, जब अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। और न केवल मुलाकात हुई है बल्कि साथ साथ बैठे हैं। सतीश पूनिया भी उनके आजू बाजू है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी वहां पे हैं, घनश्याम तिवाड़ी भी है। और घनश्याम तिवाड़ी को आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत एक बार कांग्रेस में लेके आए थे, हालांकि फिर से उनकी घर वापसी हुई और भाजपा में चले गए, राज्यसभा के सांसद बने। लेकिन ये जो तस्वीर आप देखिए कि इस मंच से बाहर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों जोधपुर से आते हैं, मानहानि का केस भी चल रहा है, ट्रायल भी चलनी शुरू होगी, उसका आदेश भी हो चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आज जो मंच पे हमें तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर हम शायद जनता भी ये चाहेगी कि खासकर जो इस तरह की तस्वीर है वो जनता के हित में है। भले ही पक्ष और विपक्ष जो है वो बने रहे, भले ही मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का विरोध हो, लेकिन जब अच्छे काम हो यानी नए काम हो, जनता से जुड़े काम हो, तो दोनों मिलके साथ चले तो प्रदेश का भला हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जब विधानसभा चलेगी, जब सदन में एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष बैठेगा, तब भी भले ही मुद्दों के आधार पे दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे हो तो तस्वीर वैसी आनी चाहिए जैसी तस्वीर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पधार चुकी है, मंच की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी दोनों साथ साथ बैठे हैं। और इस ये जो तस्वीर आपको ध्यान होगा, चुनाव में जो पिछली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तब की तस्वीर इस बार की तस्वीर से भी वो वायरल हुई थी। इससे पहले हम अपडेट दे देते हैं, भजनलाल शर्मा अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं,
ठीक है, और अल्बर्ट हॉल के लिए जा रहे हैं वो जी। 22 गोदाम होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीर जो है अब जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देखी जा रही है, चर्चा इनकी रहेगी। चर्चा जब भजनलाल अपने माता पिता के चरण धोकर जब उन्होंने दिन की शुरुआत की थी, उसकी भी रहेगी कि क्या प्रदेश में एक नए श्रवण कुमार को देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर राजनीति की बात करें, उससे भी जो है इत्तेफाक रखेंगे राजनीति के जानकार कि भले ही प्रतिद्वंदिता कैसे भी हो, लेकिन इस तरह के जो परंपराएं है वो निभाती रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आने वाले समय में वायरल भी होगी कि कैसा है किसका क्या रुख है, किसकी क्या मानसिकता है, कौन क्या सोचता होगा। लेकिन देखिए, ये आनंदित करने वाली तस्वीर है, खासकर राजनीति को लेके, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खिंचाई होती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो परिपाटी है कितनी बदलती बिगड़ती या फिर कुछ नया ही रूप देखने को मिलेगा। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पैनल में, इस खास चर्चा में। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार चर्चा करें आने वाले 5 साल, जैसे कि नरेश जी ने भी कहा आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मेरा मुख्य सवाल आपसे यह है क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से योजना। सीधी तस्वीरें जरा देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब मंच से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आए। और ये लगातार फर्स्ट इंडिया कह रहा था जो 5 साल पहले तस्वीरें निकल कर आई थी, आज कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, लेकिन एक चेहरा अलग है। रिपीट वाली परिपाटी खत्म हुई, नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा। और ये तस्वीरें जरा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सियासत के लिहाज से भी, और एक सामाजिक संदेश भी है कि जब इस तरीके के मौके होते हैं, एक नई शुरुआत होती है, तो सारी बातें साइड में रख के सियासत से जुड़ी हुई भी आप उस मंच का हिस्सा बनते हैं, उस खुशी का हिस्सा बनते हैं, और हाथ मिलाकर सभी नेताओं से बातचीत करते हुए बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिएगा। तो नई सरकार है, खुशियां अपार है, इन खुशियों में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मरुधरा में अब भजनलाल सरकार है, नई सरकार, नई पार्टी, नया चेहरा, लेकिन चेहरे कुछ पुराने भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो उन चेहरों में है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंच पर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द सभी मेहमान पहुंचेंगे।